हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से अपने मोबाइल के अंदर ऐप फोटोज एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं। तो आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आप अपने मोबाइल के जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो जब भी सिंपली मुझे यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोज़ को हाइड करने रहेगा तो अपने मोबाइल के अंदर से फोटोज एंड वीडियोज़ को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे फाइल्स एप्लीकेशन को क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करके सेव फोल्डर पर क्लिक करेंगे और पिन या फिर पैटर्न पहले आपको सेट कर लेना है। मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ टिक मार्क पे, जो कि इस यहाँ पे 4 डिजिट का पिन यहाँ पे सेट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ पे कोटेट करना है। तो मेरा जो यहाँ पे रहेगा यहाँ पे सेव हो चुका। और जो भी मैं फोटोज एंड वीडियोस को मैं यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक करूँगा, पासवर्ड एंटर करूँगा, मेरा यहाँ पे हाइड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दोबारा से चेक करके दिखा देता हूँ आपको। जो मेरा सेव फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, मेरे यहाँ पे फोटो आ चुका है। इस तरीके से वीडियो भी हाइड कर पाएंगे यहाँ पे। और इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना फाइल्स नाम से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।